अरे यार, मेरी गुल्लक कहाँ चली गई? पिछले 2 घंटे से मैं अपनी गुल्लक ढूंढ रहा हूँ। गाइस, जिस जगह पे मैं अपनी गुल्लक रखता हूँ ना, आज तो वो अपनी जगह पे है ही नहीं। सिंचन से पूछना पड़ेगा। ओए सिंचन के बच्चे, अबे ये बाहर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, इतने सारे खिलौने! अरे क्या हो गया फ्रिंगली भाई? यार बोले जल्दी, बोले हमने खेल ले। अबे सिंचन भाई, मेरी गुल्लक देखी तूने? और ये खिलौने किसके हैं? अरे फ्रिंगली भाई, ये सारे ना यार लिटिल सीएम के खिलौने, अपने घर से लेके आए। अच्छे, अपने घर से लाए? ये बता सिंचन, मेरी गुल्लक देखी तूने? गुल्लक कौन सी गुल्लक फ्रिंगली भैया? जो सिंचन भाई हमेशा से टीवी के आगे रखी रहती थी, अरे वो तो मैंने छुपा दी। अबे सिंचन के बच्चे, क्यों छुपा दी तूने? फ्रिंगल भाई, वो गुल्लक तो मैं जब ही दूंगा जब तुम मेरे से वादा करोगे कि तुम मेरे को रिमोट कंट्रोल कर दिलोगे। अबे यार सिंचन के बच्चे, जब पैसे मेरे पास हो जाएंगे खुद दिला दूंगा यार मैं तेरे को रिमोट कंट्रोल कर। मैं कुछ नहीं जानता फ्रिंगल भाई, पहले यार वादा करो जब ही गुल्लक दूंगा। सिंचन भाई, बाद में बात करते हैं तेरे से, मेरे को तो यार बहुत तेज चाय पीने का मन कर रहा है। मैं जाता हूँ भाई, दूध लेके आता हूँ दुकान से। बॉस ने बोला लिटिल सिंह हमको पकड़ के लाओ, हमेशा दूसरों के घर खेलता रहता है, ये बैठा निकम्मा, आज तो इसकी हड्डी तोड़ दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरे के घर आने की? निकम्मे! अरे यार कौन है लिटिल सिंह? ये ले निकम्मे! अरे कौन है कैसे मारा? अरे बापरे सिंचन, मारियो इसको! कौन है ये? अरे कौन है भाई लिटिल सिंह, तू बता तेरे को मारा है? निकम्मे, तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरे के घर आने की? ये ले, तेरे पापा ने बोला तुझे लाने के लिए। अरे तेरी हिम्मत कैसे? ये ले घूसा का, तेरी हिम्मत होगी? ये ले लात भी का। अरे यार लिटिल सिंह है कौन? अबे ये मेरे पापा का चेला है, मेरे पापा ने इससे बोला हुआ कि लिटिल सिंह को घर पे बुला के ला। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पे हाथ छोड़ता है ये। अबे जा, नहीं जा रहा अपने घर पे, जा बोल दे जिस मर्जी से। हाँ नहीं तो यार मेरे को मार रहा है सिंचन, देख अभी इसको घोड़ा बनाता हूँ। अरे डिगन भाई जी, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे के पास तो बहुत खिलौने, एक दो खिलौने मुझे दिला दो। ओए मैं कहाँ से दिला दूँ, उससे मेरी लड़ाई रखी है, उसके घर के आगे मैं हमेशा कूड़ा फेंकता हूँ, खुद जाके ले लो या तो चुरा ले। अच्छा चुरा लो, हाँ ये आइडिया सही है, उसके खिलौने ना मेरी आँख में खटक रहे हैं। डिगन भाई जी, कुछ भी करके उसके खिलौने चुराने, ये यहीं से कूद गया, पहले जाके बात करता हूँ, अगर दे देगा तो ठीक है, नहीं तो चुरा लूंगा। भगते भगते आ गया, इसने किसको किडनैप कर रखा है? ओए अंकल तेरे को फाड़ दूंगा बीच में से अगर अगली बार हाथ में लगाए तो। अरे ये कौन है यार लिटिल सिंह, ये कौन आ गया तेरे पापा का? ये कौन सा चेला है? अबे ये मेरे पापा का चेला नहीं है सिंचन। अरे तुम दोनों से मैं कह रहा हूँ, ये खिलौने किसके हैं? अरे ये ना लिटिल सिंह के खिलौने, लेकिन तू है कौन? मैं तुम्हारे पड़ोसी का रिश्तेदार हूँ, एक दो खिलौने दोगे? मुझे पता है तुम नहीं दोगे, अब मैं चुरा लूंगा खिलौने। मैंने अपने चेले को भेजा था लिटिल सिंह को लाने को, अब तक ये लाया क्यों नहीं? मेरा चेला यहाँ पे कैसे खड़ा हुआ है? लगता है लिटिल सिंह ने इसकी गुद्दी चटका दी। ओए लिटिल सिंह, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेले पे हाथ उठाने की? अरे पापा जी, पहले इसने मेरे पे हाथ उठाया, उसके बाद मैंने इसकी देही तोड़ दी। ओए मेरे चेले, तू इसको घर पे क्यों नहीं लाया? चल तेरे से बाद में बात करूंगा, पहले लिटिल सिंह से उलझ लूं। ओए लिटिल सिंह, बोलो जी पापा, बोलो क्या बताओगे? ये ले थप्पड़ खा, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर क्यों नहीं आता? यहाँ सारे खिलौने तूने बिखेर रखे, ये ले पहले तू भी लात खा। अरे क्या हो गया, हमको क्यों मार रहे? बस ये ले लात खा, तेरे से एक बच्चा घर पे नहीं लाया गया, ये ले कौन लात खा। ये वाली लात इसलिए खाई, और ये वाली लात तूने इसलिए खाई क्योंकि लिटिल सिंह से तू पिट गया इतना बड़ा होके। चलो अब घर जाता हूँ, लिटिल सिंह और ये मेरा जो चेला है, इन दोनों से मैं तो परेशान हो गया, हमेशा मुझे परेशान करके रखते हैं। अब ऑफिस जाता हूँ, और लिटिल सिंह तब खुद ब खुद घर ही आ जाएगा क्योंकि उसको प्रसाद तो मिल ही गया। अरे ये मौका काफी अच्छा है, अभी एक अंकल आया, उस पुलिस वाले को प्रसाद दे के गया, और वो जो छोटा बच्चा था वो उसे घर में लेके चले गया, कोई भी नहीं है, सारे खिलौने चुरा लेता हूँ, बहुत मजा आएगा। अरे भाई साहब, कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सी पतली पतली गलियों में लेके आ गए? अरे भाई टेंशन मत ले, बस हमारे घर पे पहुंच गए, ये देख रहा है यही मेरा घर है बगल वाला। अच्छा ये है तुम्हारा घर, लगा दो ट्रक यहीं पे। हाँ भाई ये ले, लगा दिया तेरा ट्रक यहीं पे। बाप फटाफट से आ जाओ, और तू मेरे लोहे का अच्छा दाम दे के चले जियो कवाड़ी वाले। अच्छा दाम दे के जाऊंगा। अबे सिंचन क्या हुआ? अरे फ्रिंगल भाई तुम्हें पता है अभी लिटिल सिंह के पापा आए, लिटिल सिंह को प्रसाद दे के गए। प्रसाद दे के गए? अरे मतलब उसे मार के गए। अरे पर सिंचन तुझे क्या हो गया? अरे फ्रिंगल भाई यार मैं लिटिल सिंह को अंदर लेके गया बेड पे चलाने में, इतने उसके सारे खिलौने चोरी हो गए, ये लो चढ़ गया मैं ऊपर। ये सिंचन और लिटिल सिंह तो हमेशा ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। गाइस ये ना मेरी मशीन है भाई, ये पूरी 20 साल पुरानी मशीन है, और आज फाइनली गाइस मैं इसको बेच दूंगा, और इसको बेचने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे सिंचन के लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीदने वाला हूँ। ओए कवाड़ी वाले ऊपर आ फटाफट से। अरे ऊपर कैसे चढ़ू मैं, वो लड़का तो यूं ही चढ़ गया। अरे अंकल चढ़ो ना यार, क्या बात हो गई? अरे कैसे चढ़ू, ऐसे चढ़ते हैं? अरे चढ़ जाओ अंकल यार, कितने डरते हो यार तुमसे, सही तो मैं यूं यार यूं ही चढ़ जाता हूँ। अरे बच्चे के सामने बेइज्जती हो जाएगी, चढ़ना ही पड़ेगा अब तो। अरे चढ़ चढ़, बहुत बढ़िया, जान से निकल गई लेकिन चढ़ गया छत पे। अरे भाई साहब कहाँ है तुम्हारा लोहा? अरे भाई लोहा नहीं, ये देखिए है मेरी मशीन भाई, ये पूरी 20 साल पुरानी है, बता कितने पैसे देगा इसके? अरे वाह, ये मशीन तो हमें चाहिए थी बेटा। अरे चाहिए थी मतलब? अरे इस मशीन को तू कबाड़ी में मत बैठ, एक बाबा को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो तेरी मशीन जरूर लेगा अच्छे दामों में। अरे पर धक्का क्यों दे रहा है? अरे भाई जल्दी करके इसे ट्रक में रखवा, और बहुत पैसा मिलेगा तुझे इस बाबा को बेचेगा तो। आ जाओ मेरे साथ जल्दी, फटाफट से अपने ट्रक को खोल देता हूँ, ये मशीन की तो हमें बरसों से तलाश थी, चलो मैंने ये ढक्कन तो खोल दिया ट्रक का। अरे वाह यार फ्रिंगली, बंदर से ट्रक देखो यार कितना बड़ा है। हाँ सिंचन भाई। अरे फिसल गया मैं। अरे वाह अंकल यार, तुम तो फिसल गए यार, गिर रहे हो तुम तो,
चुप हो जा बेटा, ये देखो कितना बड़ा ट्रक है, इसके अंदर तो आराम से मशीन आ जाएगी। जा लड़के मशीन लेके आ, छत पे से ट्रक में रखवा देता हूँ फटाफट से। तो फाइनली गाइस वो जो मशीन थी गाइस हमने ट्रक के अंदर तो रख दिया। आधा सिंचन भाई फटाफट से ट्रक में बैठ, चलते हैं सिंचन किसी बाबा को बेचने। अरे पर फ्रेंगल भाई यार ये तो कबाड़ी वाला है, ये क्यों नहीं ले रहा? अरे चुप हो जा लड़के, छोटा है छोटे की तरह रह। बेटा एक बाबा लेगा तुम्हारी मशीन को, ढेर सारा पैसा देगा। तो गाइस अभी सिंचन को तो गाइस मैंने मशीन के पास बिठा दिया है, और ये जो कबाड़ी वाला है ये मेरे बगल में बैठा है। अरे कबाड़ी वाला मत बोल, मैं पता है कबाड़ी का काम क्यों कर रहा था, यही मशीन चाहिए थी मुझे। फाइनली अब मशीन मिल गई, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे भाई मेरे समझ नहीं आ रहा तू कहना क्या चाह रहा है, चल मैं तेरे को एकदम शिद्दत से समझाता हूँ। एक बेटा बाबा है, मैं उस बाबा का ना पुजारी हूँ। पुजारी पुजारी मेरे भाई को समझ नहीं आ रहा। अरे फ्रेंगल भाई क्या बात कर रहे हो, रुक जा संजय पहले मैं तो समझ लूँ भाई क्या बात कर रहा है, जल्दी बता। अरे मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा, मैं एक बाबा का चेला हूँ ये समझ लो, और उस बाबा ने मुझे कबाड़ी वाला बना रखा था, और उसने बोला था कि ऐसी मशीन हमको चाहिए। तो फाइनली आज हमको ये मशीन मिल गई बेटा, वो बाबा अब तुझे ढेर सारा पैसा दे देगा। ढेर सारा मतलब कितना दे देगा बेटा? यही 2-3 हजार रुपए। क्या 2-3 हजार? 2-3 हजार को तू इतना ढेर सारा पैसा कह रहा है? अब क्या कह रहे, हमने अपनी लाइफ में पैसा देखा नहीं, तो इतने पैसे को हम ढेर सारा बोल देते हैं। फाइनली गाइज मैं और सिंचन और ये जो बाबा का चेला है गाइज हम अड्डे पे तो पहुंच चुके हैं। अरे अड्डे पे नहीं, बाबा के अड्डे पे पहुंच गए ये बोल। हाँ भाई कोई से भी अड्डे पे पहुंच गए, बस यही ट्रक रोक दे, चल बाबा की चरणों में चलते हैं। भाई साहब ये कैसा अड्डा है सिंचन? अरे फिंगल भाई यार मैं उतर के आ रहा हूँ। आजा सिंचन फटाफट से, एक सेकंड भाई ये कौन सा ट्रक है यहाँ पे? अरे ये बाबा जी का ट्रक है, बाबा जी का। लेकिन ये ट्रक तो नहीं लग रहा मेरे को, ना ये कार लग रही है तो है क्या? अरे ये बाबा जी का सामान है, इसे मत छेड़ो वरना बाबा जी गुस्सा हो जाएंगे। अरे चल के देखता हूँ यार कौन सा तेरा बाबा जी है जो मेरे मशीन के 1-2 हजार रुपए देने वाला है, चल के देखते हैं। अच्छा ये है बाबा जी? ये बाबा जी नहीं, टीवी बाबा जी है। टीवी बाबा जी? टीवी बाबा जी, लेकिन इसके सर पे या कहीं टीवी तो मेरे को दिख नहीं रही। रुक जा मैं आ रहा हूँ बाबा जी से मिलवाता हूँ। अरे क्या बोला तू, मेरे सर पे टीवी नहीं है, ये देख मेरे सर पे क्या है। ओए सिंचन भाई अचानक से कहां से टीवी आ गई? अरे हाँ यार अभी तक तो इस बाबा के सर पे कुछ भी नहीं था। मेरा नाम टीवी वाला बाबा है इसलिए मेरे सर पे टीवी है, और मैं जादुई बाबा हूँ। ओए मेरे चेले जल्दी बता इनको क्यों लेके आया अड्डे पे। अरे इनको अड्डे पे इसलिए लेके आया हूँ बाबा जी क्योंकि बाबा जी वो जो मशीन हमको चाहिए थी वो मशीन मिल गई, इन्हीं के पास है वो मशीन। क्या तू सच कर रहा है? अरे बस गिरा क्यों रहे हो? बॉस मत बोल, बाबा बोल बाबा। अरे बाबा जी गिराओ मत, वो मशीन हमको फाइनली बाबा जी मिल गई। ये तो बड़ी अच्छी बात कही तूने, अब आएगा असली मजा, अब फाइनली मेरे अंदर पावर प्रकट हो जाएंगी दोबारा से। चल डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे वो मशीन लेके आओ उस ट्रक में से। अभी लेके आते हैं। अरे सिंचन भाई ये क्या हुआ? अरे फ्रेंगिल भाई यार ट्रक में से यहाँ पे मशीन कैसे आ गई? अरे हमारा नाम बाबा है टीवी वाला बाबा, हमारे अंदर बहुत सारी पावर है, सैकड़ों पावर है, और अब तो हमें ये मशीन भी मिल गई, अब तो और पावर आएंगी। चल डॉक्टर स्ट्रेंज से स्टार्ट कर मशीन को। अभी कर देते हैं स्टार्ट। ये लो स्टार्ट भी हो गई। अरे सिंचन भाई अब ये क्या चीज है? अरे फ्रेंगिल भाई यार तुम्हारी 20 साल पुरानी मशीन में से ये कौन सा धुआं निकल रहा है? ओए छोटे बालक ये धुआं नहीं है, ये बेटा मशीन स्टार्ट हो रही है। अरे बाबा जी बहुत बढ़िया, बाबा जी अब हम कबाड़ी का काम नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हारे चरणों में रहेंगे। बहुत बढ़िया सिंचन भाई, ये बाबा तो सच में कोई चमत्कारी बाबा लग रहा है। चलो बाबा अब मेरे पैसे निकालो। पैसे? कौन से पैसे? अरे भाई तुमने मशीन लिया, मशीन के पैसे तो दोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, देख बेटा तू मेरा एक काम कर, तुझे 10-20 हजार रुपए दे दूंगा। अरे कौन सा काम करना है? तुझे बेटा डोंकी को बुला के लाना है, वो तुझे मिलेगा बीच पे। वाओ यार यहाँ पे सर चढ़ने में बहुत ही मजा गया। अरे मेरी बात सुन, जल्दी बीच पे जा और वहाँ पे तुझे डोंकी मिलेगा, और कह दियो टीवी वाले बाबा ने बुलाया, वो तेरे पास आएगा, फिर तुझे पैसे दूंगा। आजा सिंचन भाई, ये मशीन भाई 2-3 हजार में हम बेचने वाले थे, अब तो सिंचन सीधे भाई 10-20 हजार रुपए मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे फ्रेंगल भाई यार रिमोट कंट्रोल कर दिलाओगे? अरे मेरी गाड़ी से जा रहा है, चल चले जा काम करने, तो मेरा ही जा रहा है। अरे हाँ फ्रेंगल भाई यार अब आएगा ना इसलिए मजा। ये बाबा जी की गाड़ी कितनी ओपी लग रही है सिंचन भाई, मेरे को तो ऐसा फील आ रहा है जैसे ये जो बाबा का ट्रक है ना ये सिंचन भाई गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो रखा हो। अरे हाँ यार फ्रेंगल भाई लगते मेरे को भी रहे थोड़ा थोड़ा, लेकिन सिंचन भाई ये ट्रक में यार बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। बस सिंचन इसके टायर काफी मोटे हैं। अरे हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, और फ्रेंगल भाई इसके अंदर तो यार एसी भी नहीं है। चल सिंचन भाई ये सब छोड़, सिंचन ये बता भाई वो बाबा के बारे में तुझे क्या लगा? अरे फ्रेंगल भाई वो तो मेरे को कोई जादुई बाबा लग रहा है, तुमने देखा नहीं वो मशीन फ्रेंगल भाई कैसे ट्रक के अंदर से अपने सामने ला दी? हाँ सिंचन भाई वो सच में कोई जादुई बाबा है। सिंचन एक काम करेंगे भाई, उस बाबा से यार कोई जादू शक्ति हम भी सीख लेते हैं। अरे हाँ फ्रेंगल भाई जादू शक्ति सीख ले फिर ना तुम भी बाबा बन जाना। नहीं सिंचन भाई बाबा थोड़ा बनना मुझे। तो फाइनली गाइस अभी मैं और सिंचन यार बीच पे तो बस पहुंचने वाले हैं। अरे कहां है फ्रेंगल भाई यार, यहाँ पर तो सारे घर ही घर दिख रहे हैं। देख सिंचन भाई सामने देख। अरे वाह यार सामने तो बीच दिख रहा है फ्रेंगल भाई। हाँ सिंचन भाई सामने तो हमको बीच दिख गया, लेकिन सिंचन वो बंदा कहां मिलेगा भाई हमको? अरे हाँ यार ये भी बात है, बस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। अरे बाप रे ये क्या हुआ, चल बच गए सिंचन भाई। अरे फ्रेंगल भाई यार इसके जो टायर है ना यार ये तो मेरे को ऑफ रोडिंग टायर लग रहे हैं, इसलिए फ्रेंगल भाई इसको कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी को जहां से मर्जी को डालो। सिंचन ये देखियो भाई सामने कौन खड़ा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सिंचन भाई यही वो बंदा है। अगर ये बंदा नहीं हुआ तो सिंचन इस बंदे से उस बंदे के बारे में पूछ ले।
पूछेंगे जो हमको चाहिए। अरे हाँ, जो बाबा ने उस बताया था फ्रिंकल भैया। आ गए बेटा तुम, मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा, तुम्हें बेटा टीवी वाले बाबा ने भेजा। अरे भाई तुझे कैसे पता? अरे तुम मुझे ही बुलाने आयो, मुझे ये भी पता है। अच्छा तो संजयन भाई यही वो बंदा है जिसे बाबा ने बुलाया? अरे तो फ्रिंकल भाई चलो ना ऐसे घर लेके चलो। अरे मैं घर नहीं जाऊंगा बेटा, उस बाबा वाले के अड्डे पे जाऊंगा। हाँ भाई बाबा वाले के अड्डे पे चलियो। अब तुम ये बताओ, तुम अपने इस खचाड़े ट्रक में जाओगे या फिर मेरे साथ बैठ के जाओगे? अरे भाई हम तो तेरे साथ बैठ के जाएंगे, ये तेरा प्लेन है क्या? और क्या मेरा प्लेन है, चलो तुम मेरे प्लेन पे बैठो फटाफट से। अरे भाई तुम उड़ा तो रहोगे ना? अरे मेरे पे शक मत करो बिल्कुल भी, आओ फटाफट से चढ़ जाओ इस ट्रक पे, आज तुम्हें उड़ाऊंगा और शेयर कराऊंगा। सिंचन देख इसका तो पंखा भी घूमने लग गया। तो गाइस अभी मैं और सिंचन इसके प्लेन पे तो बैठ गए। अरे बेटा ये हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। अरे क्या बात कर रहा है यार? अरे मैंने इसका नाम हवाई अड्डा रख रखा है बेटा, आप देखिए ये कैसे उड़ेगा। अरे बाप रे सिंचन मेरे को तो डर लग रहा है भाई। अरे हाँ यार फ्रिंकल डर तो मेरे को भी लग रहा है। अरे डरो मत बेटा, मेरे हवाई अड्डे से तुम्हें ऐसा उड़ाऊंगा ना ऐसा उड़ाऊंगा कभी तुम किसी के फिर हवाई अड्डे पे बैठोगे नहीं। अरे पर फ्रिंकल भाई यार तुमने एक बात नोटिस करी? ये देख सिंचन भाई उड़ गया इसका हवाई अड्डा। अरे वाह यार क्या ओपी लग रहा है फ्रिंकल भाई यार ऊपर से तो। अरे पर सिंचन भाई पकड़ के रहियो, अगर नीचे गिर गया ना तो तेरी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। सिंचन मैं ये कह रहा था इस आदमी के अंदर से कैसी रोशनी निकल लिया। अरे हाँ ये तो सही कह रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहा है ये प्लेन? अरे बाप रे सिंचन पानी की तरफ जा रहा है। अरे 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 बेइज्जती हो गई, हवाई अड्डे तूने धोखा दे दिया, आज के दिन ही धोखा देना था क्या तुझे? अरे बाप रे इन बच्चों के सामने और मेरी बेइज्जती हो गई, जल्दी जल्दी जाता हूँ, डूब ना जाऊं कहीं मैं। अबे सिंचन भाई ये तो काफी गंदा पायलट है। अरे हाँ यार फ्रिंकल भाई इसने तो पानी में लैंड करा दिया हमको। अब तो सिंचन भाई वो जो हमारी गाड़ी थी वो भी बहुत दूर रह गई, अब पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्या? ए क्या कर रहा है बेटा, धक्का मत दियो, धक्का क्यों दे रहा है दो बार? अरे तो तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमको बिठा तो लिया लेकिन तूने पानी में गिरा दिया। अरे ये शुक्र मानो पानी में गिराया, जमीन पे नहीं गिराया, जमीन पे गिराते तो तुम्हारी टाट फूट जाती। अरे भाई साहब यार अब उस टीवी वाले बाबा के पास हम पैदल पैदल थोड़ी ना जाएंगे यार। ये लो बेटा मेरे होते हुए तुम्हें पैदल कैसे चलाऊंगा, बैठो फटाफट से इस पे। अबे सिंचन ये क्या चीज है भाई, अभी तक तो ये सामने नहीं थी। अरे मैं जादूगर हूं बेटा, फटाफट से इस पे चढ़ जाओ, ये बेटा मेरा हवाई अड्डा नहीं है जो तुम्हें दोबारा से पानी में गिरा दूंगा। ये बात तो सिंचन ये सही कह रहा है। अबे क्या कर रहा है भाई? अरे फ्रिंकल भाई तुम्हें तो गिरा दिया यार इसने। सिंचन मुझे डर लग रहा है भाई बैठने में। तो गाइस अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो गाइस अभी हम इसकी गाड़ी में तो बैठ चुके हैं, लेकिन सिंचन भाई ये गाड़ी कैसी आ रहा है? बाप रे भाई गिरा मत दियो। अरे ना गिरा रहा तुम्हें, डरो मत ना भैया नहीं। अबे भाई सिंचन मेरे को तो डर लग रहा है भाई, ये काम कर तू ना मेरे को उतार दे। अरे मत उतरो फ्रिंकल भाई वरना यार पैदल पैदल जाना पड़ेगा। सिंचन ऐसा लग रहा है भाई ये ना मेरे को पक्का गिराएगा। अरे डर तो यार मेरे को भी लग रहा है भाई, थोड़ी धीरे चला यार, ये कौन सी गाड़ी है? अरे मैं जादूगर हूं तुम्हें कितनी बार बताऊं, जो मर्जी कर सकता हूं जो मर्जी। अब मैं क्या करूं, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, लगता है मुझे खाना पीना खाना पड़ेगा। अरे भाई खाना पीना बाद में खा लियो, पहले उस टीवी वाले बाबा के पास चल, चुप हो जाओ तुम दोनों के दोनों, चुपचाप से खड़े रहो वरना तो गिरा दूंगा, नहीं तो भूख लग रही है, यहाँ पे कुछ मिल जाए खाने के लिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्या पता ये कुछ खाने को दे दे, मुझे तो लगता है फ्रिंकल भाई ये ढोंगी, ये ढोंगी। ए चुप हो जा छोटे लड़के, क्या कर रही है, फोटो खींच रही है, ये ले घुसा का, हाँ तो मेरी गाड़ी की फोटो खींचोगी। ओ भाई क्या बात होगी, जा रहा मुझे डर लग रहा है, ये ले घुसा का, अरे मुझे क्यों मारा, ये ले तू भी का टोपी वाले इंसान, किसी को नहीं छुड़वा, ये ले मुझे क्यों मारा तूने, ये ले फिर लड़ेगा तुमसे बेटा, एक घूसे में चार चटका दूंगा। अरे फ्रिंकल भाई देखो यार ये तो पिट रहा है, पिटने दे सिंचन भाई, बहुत बेकार गाड़ी चलाता है ये, बेइज्जती कर रहा है, ये ले लात का, उन दो लड़कों के सामने बेइज्जती करवा रहा है मेरी। अरे मुझे ये ले घुसा का, मेरी टोपी उतारी तूने, तेरी टोपी, अभी रुक जा तेरे को बताता हूँ, उन बच्चों के सामने तू भी बेइज्जती करा रहा है मेरी, ये ले घूसे पे घूसे मार, ये ले लात का, अभी नहीं गिरा, ये ले अब तो गिर गया, चलो जल्दी से अब भागना पड़ेगा, कहीं पुलिस ना आ जाए, यहाँ पे तो मैंने हाथापाई मचा दी। अरे यार भाई तू यार बहुत गंदा इंसान लग रहा है मेरे को तो, चुप कर जाओ दोनों के दोनों वरना तुम्हारी यहीं टांट फोड़ दूंगा। ओए भाई तू एक काम कर, यहीं पे हमको उतार दे, सिंचन हम ना टैक्सी बुक करके चल लेंगे। पर फ्रिंकल भाई यार फिर वो बाबा बोलेगा इस बंदी को लेके क्यों नहीं आए? सिंचन उस बाबा से मैं बाद में बात कर लूंगा, पहले ओए भाई तू मेरे को यहीं उतार। अरे चलना चुपचाप से खड़ा रहे बेटा, अब बाबा के पास ही जा रहा है सीधा, अब कुछ खाने पीने के लिए नहीं रुकूंगा। तो चला भाई थोड़ी धीरे धीरे चल, इतनी तेज मत चला। अरे बाबरे फ्रिंकल भैया को गिरा दिया तूने, बेवकूफ के बच्चे। अरे गिर गया ये लड़का, मुझे तो शक हो रहा था ये गिरेगा। अरे सिंचन भाई मैं नहीं बैठूंगा इस पे। अरे यार कहाँ जा रहे हो फ्रिंकल भैया? अरे तेरा भैया कहाँ जा रहा है इतनी तेज, भग भग कैसे पकड़ना पड़ेगा। अरे यार तेरी वजह से देखिए मेरे फ्रिंकल भैया कितनी तेज भाग रहे हैं। सिंचन भाई भाग ले तू भी भाई, मैं तो नहीं बैठने वाला यार इसके साथ, बहुत गंदा ड्राइवर है। अरे फ्रिंकल भैया बैठ जाओ यार। अरे लड़के बैठ जाओ यार, कितनी तेज भगता है तेरा फ्रिंकल। अरे यार लगता है मुझे भी उतार दे तू, मैं भी फ्रिंकल भैया के साथ भाग जाऊंगा। अरे रुक जाओ बेटा, सॉरी मांग लूं और क्या कर सकता हूं, तुम्हारे पैर पूज लूं, रुक जा बेटा मत भागे, कितनी तेज भाग रहा है। अरे भाई मेरे को नहीं बैठना तेरे साथ। अरे काम कर चल, तू चला ले गाड़ी को, बस मैं खड़ा हो जाता हूँ। चल हाँ ये तो ठीक है, चल सिंचन भाई मैं चला लेता हूँ अब इस गाड़ी को और इसे बिठाता हूँ। हाँ फ्रिंकल भाई अब मेरी को भी यार सांस में सांस आई, कितनी गंदी ड्राइव कर रहा था ये गाड़ी। चल बेटा मैं तेरी गाड़ी पे तो बैठ गया हूँ, अब देखता हूँ तू कैसा ड्राइवर है। अरे मेरे फ्रिंकल भाई तेरे से बहुत ओपी ड्राइवर है, अब देखता रहियो सिंचन भाई, एकदम ओपी कार चलाऊंगा और फटाफट से सिंचन पहुंचा देता हूँ उस बाबा के पास। अरे हाँ यार फ्रिंकल भाई यार जल्दी पहुंचा उस बाबा के।
पास फिर फ्रिंगल पे उसकी मैजिक पावर देखेंगे। अरे उस बाबा के पास बहुत मैजिक पावर है बेटा। तो फाइनली गाइस अभी यार उस बाबा के पास तो हम पहुंच ही गए। अरे भाई गाना फ्रिंगल पे असली मजा आ गया यार, डॉग दिया। अरे ये क्या कर दिया फ्रिंगल पे यार तुमने, कहीं तुम्हें कोई शराब ना दे दे। अरे बेटा कैसा ड्राइवर है तू, मेरे पे उसकी गाड़ी चढ़ा दी। अरे भाई इसकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं थे, अब मैं क्या करूँ। चलिए अच्छी बात है तू इसको लेके तो आ गया, अब बेटा मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ और तेरे पैसे देने थे। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पैसे मत दो, अपनी पावर दिखा दो एक बार मुझे। अरे बाप रे सिंचन ये क्या है। अरे फ्रेंगल भाई ये क्या हुआ। सिंचन भाई ये क्या है भाई, पेंगुइन और मेरे सर पे टीवी कहाँ से आ गई। देख ली मेरी पावर, और पावर देखना चाहेगा। अरे बाप रे फ्रेंगल भाई तुम्हें क्या कर दिया यार। अरे बाबा मेरे फ्रेंगल भाई को सही करो। ओ सिंचन भाई ये कैसी पावर है भाई इस बाबा के अंदर। बेटा पावर तो मेरे अंदर बहुत सारी है, अब तेरे को एक जादू चीज दिखा। अरे मुझे काहे को उड़ा दिया बाबा जी। बाबा जी नहीं, टीवी वाले बाबा बोल है बेटा, तेरे को यहाँ पे पीटने के लिए तो बुलाया था मैंने तुझे, अब तेरे को पीट दिया। अब है डॉक्टर स्ट्रेंज की बारी। डॉक्टर स्ट्रेंज बेटा, अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया। अरे ये डॉगी लगता है मुझे, काट लेगा, जल्दी ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे यार मैं यहाँ पे मैजिक पावर करने वाला हूँ, लेकिन ये कुत्ता बीच में कहाँ से आ गया, लगता है मैं मैजिक पावर कर नहीं पाऊंगा। अरे फ्रेंगली भाई ये हो क्या रहा है तुम्हें, कुछ समझ आ रहा है। सिंचन मेरे तो भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये बाबा करने की क्या कोशिश कर रहा है। अब बेटा असली पावर होने वाली है तेरे में, गन चलाते और ये ले। अरे ये क्या हुआ, जैसे बाबा ने मेरे पे गन चलाई मैं ये कहाँ पे आ गया, ये कैसा काम रहा है। अरे यहाँ पर तो वही बाबा है। अरे बेटा आ गया तू मेरे पास, क्या कह रहा था मेरी पावर देखना चाहेगा। अरे हाँ बाबा जी वो कैसी पावर थी, आपने तो यार मेरे सर पे टीवी उगा दी थी, जैसे आपके सर पे टीवी आ जाती है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, बेटा तूने ये मशीन मेरे को देके बहुत अच्छा काम करा है, अब मेरी जो बरसों पुरानी पावर थी वो मेरे अंदर आ चुकी है। अरे क्या कह रहा है ये बाबा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, इस बाबा से पूछता हूँ कौन सी पावर आ गई है इसके पास। अरे अंदर आ बेटा, मैं तेरे को दो वरदान देना चाहता हूँ, मांग बेटा मुझसे दो वरदान, तेरी दो विश पूरी करूंगा। अरे भाई सच बोल रहा है, फिर तो भाई मेरी पहली विश यही है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे ना इनका जो भी सपना है वो पूरा हो जाए। उसके लिए बेटा इनको इस वीडियो को लाइक करना होगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना होगा उसे। और मेरा दूसरा ड्रीम ये है भाई, मैं जो सोचू वो हो जाए। जा बेटा दिया वरदान। अरे गाइस ये क्या हुआ भाई, वो बाबा तो अचानक से गायब हो गया। मेरे ख्याल से गाइस अब मेरे अंदर दो वरदान आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। गाइस मैंने पहला वरदान तो यार आपके लिए मांगा है। गाइस आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, फटाफट से गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद गाइस आपका जो भी सपना है वो पूरा होगा, यहाँ सोफा आ जाए। अरे वाह गाइस देखो यार मैंने दूसरा वरदान यही मांगा था, मैं जो सोचूं वो मेरे सामने आ जाए। तो देखो गाइस मैंने सोचा यहाँ सोफा आ जाए तो सोफा आ गया। चलो अब सिंचन के बारे में सोचता हूँ, फिर मेरे सामने सिंचन आ जाएगा। अरे ये क्या हुआ फ्रिंगल भाई, यार मैं तुम्हारे सामने कहाँ से आ गया। सिंचन भाई अभी तो मैंने सोचा ही नहीं था, बस मैं तेरे बारे में सोच रहा था। हाँ यार ये बात तो सही होगी, मैं बस सिंचन के बारे में सोच रहा और सिंचन सामने आ गया। अरे क्या बोल रहे फ्रिंगल भैया, यहाँ पे बहुत सारे पैसे आ जाए। ये क्या हुआ फ्रिंगल भाई, ये पैसे कहाँ से आ गए। चल सिंचन भाई मैं तेरे को सब कुछ समझा देता हूँ, ये पैसे कहाँ से आ गए और आखिरकार हो क्या रहे, हाँ मुझे भी समझाओ यार। फाइनली गाइस अभी मैंने सिंचन को सब कुछ बता दिया है, और गाइस अभी मैं और सिंचन एक खाली लोकेशन पे आ चुके थे। और यहाँ पर देखो गाइस मैंने क्या कुछ नहीं मांग दिया। देखो गाइस सबसे पहले मैंने सिंचन के लिए काफी सारी टॉय वाली कार मांगी है, और इधर गाइस मैंने बहुत सारे यार बहुत बड़े बड़े ट्रक मांग लिए, क्योंकि गाइस मेरा काफी टाइम से सपना था गाइस कि जब मेरे पास पैसे आएंगे ना मैं काफी बड़ा ट्रक लूंगा। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक के बारे में सोचा, मेरे पास काफी सारे ट्रक आ गए। और इधर देखो गाइस कितना सारा गोल्ड है भाई, बहुत सारा गोल्ड है गाइस अब मेरे पास। और यहाँ पे गाइस मैंने काफी सारी यार गोल्ड की सुपर कार मांग ली है। सिंचन कहाँ है तू, अरे ये तेरा फ्रेंगल पे तुमको दिख नहीं रहा। और गाइस यहाँ पे मैंने देखो यार गोल्ड के यार हेलीकॉप्टर भी मांग दिया है। एक काम करता हूँ गाइस सिंचन को आज हेलीकॉप्टर की सैर करा के लाते हूँ। अरे यहाँ फ्रेंगल भाई यार हेलीकॉप्टर में घुमाओ मेरे को मजे से। आ जाता सिंचन भाई तेरे को हेलीकॉप्टर में घुमा देता हूँ। वाओ यार कितना प्यारा हेलीकॉप्टर लग रहा है यार, ये गोल्ड में कन्वर्ट होकर आ रहे फ्रेंगल पे, मैं भी बैठ जाता हूँ। हाँ सिंचन तो फटाफट से बैठ जाओ। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रेंगल सिंचन आपके भाई। तो यार फटाफट गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।